हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वर्ल्ड। जैसा कि हमारे चैनल पर बहुत दिन से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये जस्ट एग्जाम क्या है, तो आज हमारे चैनल पर हैं मिस्टर देवेंद्र, जो आईआईटी जोधपुर से क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने जस्ट एग्जाम भी क्वालिफाई कर रखा है और वेरियस टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी क्वालिफाई रखा कर रखा है। तो आज हमें ये देवेंद्र जी ये बताएंगे कि ये जस्ट एग्जाम क्या है और इसको हम कैसे क्वालिफाई करें, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन चीजें जो उसकी टिप्स होती हैं वो भी आज हमें देवेंद्र जी बताएंगे। तो वेलकम देवेंद्र। थैंक यू साहू। देवेंद्र, मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा देवेंद्र ये है कि ये जस्ट एग्जाम है क्या? देखिए, ये जस्ट एग्जाम जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट है और रिसर्च पर्पज को ध्यान में रखते हुए ये एग्जाम स्टार्ट करा गया था। इसके थ्रू हम जो पीएचडी या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी में हम एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि देवेंद्र, नेट जीआरएफ होता है और गेट होता है, इससे हम बहुत सारे सब्जेक्ट से भर सकते हैं इसके फॉर्म, क्या जस्ट में भी हम बहुत सारे सब्जेक्ट से फॉर्म इसके फिल कर सकते हैं? जी नहीं, ये सिर्फ फिजिक्स स्टूडेंट और कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए एक अलग अपॉर्चुनिटी है, और इसमें ये सिर्फ दो ही सब्जेक्ट्स के लिए कंडक्ट कराया जाता है एग्ज़ाम, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। जैसा कि नेट जेआरएफ गेट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट के लिए एडमिशन ले सकते हैं उसमें, तो जस्ट में भी हम सभी इंस्टीट्यूट या जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं? नहीं, हम जेस्ट के थ्रू सभी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसके लिए हमें इसकी जेस्ट की वेबसाइट पर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, उसके अंदर 30 के अराउंड इंस्टीट्यूट्स हैं और उन्हीं में इसका स्कोर कार्ड वैलिड होता है, तो हम उन्हीं इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट होते हैं? जैसे कि TIFR हुआ, ISC बैंगलोर, ICTS और आइजर्स, तो इन सभी ओके में ओके एडमिशन ले सकते हैं। ओके जैसे कि देवेंद्र, जैसे कि नेट जीआरएफ में फेलोशिप हमें मिलती है, तो क्या इसमें भी हमें फेलोशिप मिलती है, या मिलती है तो कितनी मिलती है और कब तक मिलती है? इसमें भी फेलोशिप हमारी नेट जीआरएफ के सिमिलर ही, इसमें भी हमें फेलोशिप मिलती है, सिमिलर फेलोशिप होती है दोनों में। टाइम पीरियड भी सेम होता है जैसा नेट जेआरएफ का होता है वैसे? टाइम अच्छा, पीरियड भी सेम होता है इसका। चलिए मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देवेंद्र आगे बढ़ता हूँ। मैं जस्ट जो एग्जाम होता है उसकी हम प्रिपरेशन कैसे करें, तो इसका एक रोड मैप आप हमें बता दें। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है इससे हमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। ये हम किस तरह से उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम कोचिंग ले रहे हैं या हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो चीज़ हम अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन मैं कुछ गाइड कर सकता हूँ जो मैंने टिप्स फॉलो करे थे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा इसका सिलेबस है उसे हम सिलेबस को थोड़ा केयरफुली एनालाइज करें, क्योंकि इससे पहले हमारा नेट और गेट का एग्ज़ाम होता है, तो हम वो सिलेबस हमने पढ़ा होता है, तो हम उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जेस्ट का पेपर भी देते हैं। जबकि इसका जो सिलेबस है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो हम सबसे पहले इसका सिलेबस देखें, उसके अकॉर्डिंग फिर उसे एनालाइज करें, और फिर उसका जो मटेरियल है, कंटेंट है उसका, उसे हम अपने पास रखें और उसे हम रीड करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करें। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम प्रीवियस ईयर जो जेस्ट के हैं वो पेपर आपको मिल जाएंगे, गूगल पर आप सर्च करोगे वो आपको मिल जाएंगे पेपर्स प्रीवियस ईयर। तो हम जितना ज़्यादा हो सके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि जेस्ट एग्ज़ाम के अंदर कई बार हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट होता है, कई बार हमारा जो क्वेश्चन हमने जेस्ट में प्रीवियस ईयर में पूछा है जेस्ट ने, वही क्वेश्चन दोबारा से वो पूछ लेता है। तो ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें। एक चीज़ और है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या करें कि जो शॉर्ट नोट्स हैं हम थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे हमारे जो शॉर्ट नोट्स ही काम आते हैं, क्योंकि हम इतना बड़ा सिलेबस होता है उसे हम कवर नहीं कर पाते एग्ज़ाम टाइम पे हम, और इतना प्रेशर होता है जब एग्ज़ाम के नज़दीक होते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा तभी है कि हम शॉर्ट नोट्स उसके बना कर रखें और उन्हें टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। एक चीज़ और है कि जो हमारे फॉर्मूले हैं, कुछ हमारे फॉर्मूलेज होते हैं उन्हें हम भूल जाते हैं, तो उन फॉर्मूले पर थोड़ा हम ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि एग्ज़ाम में जब तक हमारे फॉर्मूले ही तैयार नहीं होंगे तब तक हम क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो हम अपने फॉर्मूले एक लिख कर रखें और उन्हें टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। नेट जेआरएफ का सिलेबस है और जस्ट का सिलेबस है, ये मोस्टली सेम होता है, तो इसका क्या जो एग्जाम पैटर्न होता है वो भी क्या सेम होता है?
नहीं, इसका एग्ज़ाम पैटर्न सेम नहीं होता है जो बाकी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि नेट और गेट, उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है इसका पैटर्न। ये तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेक्ट ए बी एंड सी। तो हमारे जो सेक्शन ए है उसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चंस 1 मार्क का होता है, और जो हमारा पार्ट बी है उसमें 15 क्वेश्चन होते हैं, वो 3 मार्क्स का होता है ईच क्वेश्चन, और जो हमारा पार्ट सी है वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है, तो उस वो भी उसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, वो भी 3 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें इसमें हम एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा पार्ट ए है उसमें हमारा जो 12th के कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो पूरा हमें पढ़ना है, बल्कि उसमें जो बेसिक नॉलेज है उसकी वो हमें होनी चाहिए, क्योंकि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पार्ट ए में। और दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम पेपर में पेपर कर रहे होते हैं तो टाइमिंग हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो उस टाइम पे जब हम अगर हमसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो हमें वो उस क्वेश्चन पे नहीं लगे रहना है, उसे स्किप करके हमें आगे बढ़ जाना है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि इस एग्ज़ाम में और बाकी एग्ज़ाम में थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें जो वेटेज होता है वो पार्ट बी में इसका वेटेज होता है, और पार्ट बी अकेला ही 45 मार्क्स का होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ज़्यादा टाइम इसमें देंगे तो क्वालिफाई करने के थोड़े चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पार्ट ए पे हमें टाइम नहीं देना, लेकिन हमें अगर उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हमें उसे स्किप करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि अगर हम पार्ट बी पे थोड़ा हम ज़्यादा टाइम देते हैं तो हमारे वहाँ से मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। जैसे कि एक एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हम अगर 1.5 आवर हमने पार्ट ए में ही हमने स्पेंड कर दिया, तो क्या होता है कि हम उसमें 20 क्वेश्चन भी अगर हम कर दे रहे हैं तो 20 मार्क्स के होते हैं, और वही हम 1.5 आवर अगर हम पार्ट बी में स्पेंड करते हैं तो हमारे अगर उसमें से 15 में से अगर हमारे 10 क्वेश्चंस भी हो जाते हैं तो हमारा वो 30 मार्क्स का हो जाता है, जो कट ऑफ क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है पेपर करते टाइम पर। जी, जैसा कि देवेंद्र, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ रहा है, जैसे कि नेट जेआरएफ में जो सेक्शन ए होता है उसमें जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं, तो क्या इसमें जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं या उससे डिफरेंट होता है कुछ? नहीं, इसमें जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस नहीं होते, इसमें फिजिक्स से ही क्वेश्चन होते हैं। बस इसमें ये है कि हमारा जो 12th में कॉन्सेप्ट हमने पढ़े होते हैं वो कॉन्सेप्ट कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जो हमने बीएससी में पढ़ा होता है वो उनके जो बेसिक नॉलेज है अगर हमें वो है तो हम पार्ट ए आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। जी, जैसा कि देवेंद्र, एक क्वेश्चन और मेरा था कि जैसे कि नेट जेआरएफ होता है उसमें कुछ सब्जेक्ट का वेटेज बहुत अच्छा होता है कि उनको अगर हम तैयार कर ले तो काफी हद तक उसको हम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो जस्ट में भी कुछ ऐसे सिलेबस में कुछ ऐसे पार्ट हैं जिसको हम क्वालिफाई कर लें तो उतने में ही हमें कट ऑफ पे वो पहुंचा देता है, और आगे हम और क्या उसमें ऐड कर लें जो अच्छे हमें रैंक की ओर ले जाएगा, वो इसको थोड़ा प्रिसाइज देखिए, बता देते। ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि कौन सा जो टॉपिक है वो हमारा ज़्यादा होगा या कम होगा, उस वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम एक प्रीवियस ईयर से हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उनमें हमारा एक क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स, EMT, और हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स है, मैथमेटिकल फिजिक्स है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है। तो ये जो 5 टॉपिक्स हैं इनमें से मोस्टली टेस्ट का पेपर होता है, तो अगर हम इन्हें इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लें, इनके जो हमने न्यूमेरिकल्स हैं वो उन्हें हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो हमारा चांसेस होता है कि हमारा टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। जैसे अभी आपने क्वालिफाई की बात करी तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसकी मिनिमम कट ऑफ क्या जाती है हर साल अप्रोक्सीमेटली, मतलब कितनी जा सकती है या जाती है? देखिए, कट ऑफ के बारे में भी कहना बहुत मुश्किल है कि कट ऑफ कितनी वैरी करती है, क्योंकि ये पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा पेपर का लेवल लेवल कैसा है। बल्कि इसमें जनरली हमारा क्या होता है कि हमारी जो PhD की कट ऑफ होती है वो 32 के अराउंड वैरी करती है, और हमारा MSc और MSc जो कि इंटीग्रेटेड PhD के अंडर ही होता है, तो उसकी जो कट ऑफ होती है हमारी वो 26 के नियर ही हमारा वैरी करती है। दूसरा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो इंटीग्रेटेड PhD और PhD दोनों के लिए ही हमारा पेपर सेम होता है, और पेपर के बाद में जब हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो हमारी जो कट ऑफ है इंटीग्रेटेड PhD और PhD वो कट ऑफ दोनों के लिए डिफरेंट हो जाती हैं। जी और देवेंद्र, जैसे कि भाई, मेरे जी इसमें जी एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि
कि जैसे बाकी एग्जाम में होता है कि कैटेगरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ होती है, तो जस्ट में वैसा नहीं होता। इसमें सभी कैटेगरी के लिए, इसमें सभी स्टूडेंट्स के लिए एक कॉमन कट ऑफ होती है, तो ये इसमें एक ज़रूरी चीज़ है देखी जाए अगर, तो स्टूडेंट्स को ये भी याद रखना चाहिए कि वो अगर वो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो ये ना सोचे कि हमारी ये कैटेगरी है तो हमारे थोड़ा इतनी इतनी कट ऑफ डाउन होगी या अप होगी, तो वो ये चीज़ भूल जाए क्योंकि इसमें एक कॉमन कट ऑफ होती है। जी पढ़ता हूँ, इसी में मैं ऐड करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चों की किन्हीं बच्चों की मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, जिससे कि उनकी कट ऑफ अच्छी, मतलब जो उनकी रैंक होती है वो अच्छी होती है, और किन्हीं बच्चों की रैंक खराब भी आ जाती है, तो वह क्या किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं? और जिनकी रैंक अच्छी होती है तो वो किस इंस्टीट्यूट, कितने अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, और जिनकी रैंक कम होती है तो वो किस इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं? देखिए, अगर आपकी रैंक अंडर 100 है तो आपको TIFR हुआ, ISC बैंगलोर हुआ, RRI हुआ, HRI हुआ, ये सभी इंस्टीट्यूट आपको कॉल कर लेते हैं। इन इंस्टीट्यूट आप क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो इनमें आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ जाती है। लेकिन अगर आपकी रैंक थोड़ी ख़राब है, मार्क्स कम है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं कट ऑफ पार करते हैं वही क्वालिफाई होते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स को कुछ आइजर्स हैं वो उनके, अगर आप वेबसाइट पर जाकर चेक करेंगे तो अगर आप उनका क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो वो आपको कॉल कर देते हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप उनमें इंटरव्यू जाके दे सकते हैं। ये देवेंद्र, मैं अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। जैसे कि देवेंद्र, CSIR, NETGRF हो गया और गेट हो गया, इससे हम PhD करते हैं, उसके बाद बहुत सारी जॉब्स होती हैं, जैसे प्रोफेसर बनना और भी अलग अलग कंपनियों में जाना, रिसर्च करना, बहुत सारी जॉब्स होती हैं। तो जस्ट एग्जाम करने के बाद हमें कौन सी, मतलब जस्ट एग्जाम कर लिया उसके बाद उसका जो भी कोर्स किया, तो उसके बाद हमें कौन सी जॉब मिलती है? देखिए, जॉब्स के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे कि हम NET GRF क्वालिफाई करने के बाद किसी इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लेते हैं PhD में, तो हम इसमें भी हम PhD ही करते हैं। इसमें एक डिफरेंस है कि हम जो इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें हमें PhD करने का मौका मिलता है, और जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह हैं उनके साथ हमें काम करने का मौका मिलता है। और हमारा जो PhD कंप्लीट होने के बाद में जो अपॉर्चुनिटी हम जो NET GRF वाले के पास होती है, वही सेम अपॉर्चुनिटी हमारे पास होती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो जॉब में या किसी किसी अलग फील्ड में, रिसर्च फील्ड में अगर आप पोस्ट डॉक वगैरह करने जाते हैं तो हमारा कोई डिफरेंस होगा। जी देवेंद्र, मेरे क्वेश्चन तो खत्म हो गए। अब अगर आप हमारे व्यूवर्स को कुछ मोटिवेटेड बता सकते हैं, या मुझसे कुछ छूट गया हो, या कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जो आप दे सकें व्यूअर को। देखिए, जिन सारे सारी चीज़ें तो मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर जेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम 3 एंड 4 आवर डेली के दें, और उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करें। डेली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा हो सकें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और उन न्यूमेरिकल ये नहीं कि हमें सिर्फ न्यूमेरिकल ही करने हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमें अच्छे से उन पर फोकस करें, वही हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने में हमें ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो गुड लक। थैंक यू देवेंद्र, आपने इतना अपना बहुमूल्य समय हमारे चैनल कंपटीशन वेल को दिया। सो व्यूअर्स, इस टाइप की वीडियो आप और जानने के लिए हमारे चैनल कंपटीशन वेल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू भैया।